सीडी से सोलर पैनल बनाने के लिए हम इसी तरह सीढ़ियाँ लेंगे और कॉपर वायर जो वाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम इसमें ड्रिल के ज़रिए दो सुराख करेंगे ताकि आउटपुट के निकलने वाली वायर हम उसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह हमने ये ड्रिल के ज़रिए एक सुराख किया। ये सीढ़ियाँ हमारे पास अब तैयार हो गई है, अब हम इसमें वाइंडिंग शुरू करेंगे। अब इसमें हम वाइंडिंग कुछ इस तरह शुरू करेंगे कि एक होल से हम वायर निकाल कर उसका एक सिरा बाहर रख लेंगे और दूसरी तरफ को हम सीढ़ी या कैसेट से इर्द गिर्द घुमाना शुरू करेंगे। तो अब हमारी ये जो टर्न है, जो वाइंडिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम पूरा वाइंडिंग करेंगे और दो तारे सीढ़ी से जो होल है उसके ज़रिए बाहर निकालेंगे। इस हिसाब से हम एक डिस्क तैयार करेंगे और उस वाइंडिंग के डीसी वोल्टेज यानी 12 वोल्ट के लिए हम प्लस और माइनस निकालने के लिए डायोड इस्तेमाल करेंगे। तो डायोड हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि जो लकीरों वाली साइड है वो दोनों को आपस में इस तरह मिलाएंगे और जो बिना लकीरों वाली साइड है दो डायोडों की वही साइड आपस में मिलाएंगे माइनस के लिए। हमारे पास इसमें टोटल 4 डायोड लगेंगे। तो प्लस प्लस दो हमने मिला लिए आपस में और माइनस माइनस और जो बाकी दो रह गए हैं उसको आपस में इस तरह मिलाएंगे। तो प्लस और माइनस एक तरफ आएगा, प्लस माइनस दूसरी तरफ और जो दो साइड है उसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसमें हम प्लस प्लस और माइनस माइनस छोड़कर बाकी दो सीडी के एक साइड पर और दूसरी साइड पर इस तरह जोड़ेंगे और जो प्लस और माइनस है उससे हम बाद में कनेक्शन लेंगे। यहाँ इस वीडियो में तो थोड़ा सही दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपको डायग्राम के ज़रिए भी दिखाते हैं। तो ये हमारे पास सीडी का डायग्राम है जिस पर वाइंडिंग किया हुआ है। तो इसका कनेक्शन हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम 4 डायोड लेंगे। जिस तरफ ये लकीर है ये प्लस है, इस हिसाब से हम 4 डायोडों को आपस में मिलाएंगे। इसमें दो लकीरों लकीरों वाली, तो ये प्लस तरफ, ये हमारे पास इसका आउटपुट प्लस वायर निकलेगा। ये माइनस माइनस है, इसमें हमारे पास माइनस निकलेगा और ये प्लस माइनस प्लस माइनस। इस पर हम सीडी का जो दो वायर है हमारे पास उसको जोड़ेंगे। तो सीडी का एक हमने इस तरह जोड़ लिया प्लस माइनस के साथ और दूसरी को इस हिसाब से प्लस माइनस के साथ जोड़ लिया और ये माइनस और ये प्लस हमारे पास रह गया है। तो इससे हम 12 वोल्ट यानी डीसी करंट आउटपुट में लेंगे। ये हमारा प्लस वायर होगा और ये हमारा माइनस वायर होगा। इस हिसाब से हमारे पास डीसी वोल्टेज आउटपुट में आएगा। ये डायोड हमारा
डीसी में इस हिसाब से कन्वर्ट करेगा। इस हिसाब से हम जितने भी डिस्क लगाएंगे सबका इस हिसाब से हम डीसी आउटपुट निकालेंगे, यानी चार चार डायोड सब में इस हिसाब से लगेगा। इसके बाद हम जब सारी सीढ़ियों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस और प्लस प्लस, दूसरी का माइनस माइनस और प्लस प्लस, इस हिसाब से तीसरे चौथे सब डिस्कों का माइनस माइनस और प्लस प्लस आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद सब सीढ़ियों से हम एक वायर माइनस माइनस पर हर जगह ज्वाइंट करके एक साइड पर पूरा निकालेंगे, और एक साइड पर हम प्लस वाली सब प्लस प्लस के साथ जोड़कर एक तरफ आउटपुट के लिए निकालेंगे। ये हमारा दोनों वायर प्लस और माइनस के साथ जोड़ चुका है, और ये आउटपुट के लिए दो वायरें निकली है, जिससे हम पंखे या बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे, पंखे बल्ब वगैरह चलाएंगे। तो ये दो वायर हमारे आउटपुट या जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए निकल चुके हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी कनेक्शन है वो कुछ इस तरह करेंगे, उसमें हम सारी सीढ़ियाँ इस हिसाब से बस उसके वाइंडिंग करके दो दो वायरें निकालेंगे, और इसमें हम सब सीढ़ियों के माइनस माइनस और प्लस प्लस वायरों के लिए अलग अलग चार वायरें इस्तेमाल करेंगे जो हम कंट्रोलर में लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक हुआ प्लस प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, दूसरा प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए, यानी रेड प्लस के लिए और ब्लू हमने माइनस के लिए यूज़ किया है। इसमें हम इस हिसाब से करेंगे कि माइनस माइनस एक तरफ वाली सीढ़ियों का एक वायर के साथ और दूसरी तरफ वाली का दूसरी केबल के साथ हम इस तरह ज्वाइंट कनेक्शन करेंगे। ये हमारा जो न्यूट्रल है न्यूट्रल के साथ और जो प्लस है प्लस के साथ, इस हिसाब से इन सीढ़ियों का भी प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ हमने ज्वाइंट के ज़रिए जोड़ लिया है। और यहाँ जो हमारी लास्ट वाली है न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ स्पेस स्पेस के साथ हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम कंट्रोलर में इसका कनेक्शन कुछ इस हिसाब से करेंगे कि हमारा जो एक वायर है उसको न्यूट्रल वाली लास्ट वायर के साथ ऊपर की तरफ ज्वाइंट लगाएंगे, बीच में हम पेस का, फिर न्यूट्रल का और फिर फेस का, और कंट्रोल में कनेक्टर वगैरह जो डायोड है उसका कनेक्शन खुद बखुद हो चुका है। और ये हमारे पास दो वायरें निकलती है आउटपुट डीसी के लिए जो हम बैटरी या पंखे वगैरह में लगाएंगे। तो ये हमारे दूसरी किस्म का कनेक्शन है।